नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दुनियादारी एक्स पर। गौरतलब है कि आज से ठीक 3 दिन पहले नासरीगंज में ये मगरमच्छ पकड़ा गया था और इसे रोहतास वन प्रमंडल सासाराम कार्यालय में सुरक्षित रखा गया था। 3 दिन तक रखने के बाद आज यानी 3 सितंबर को 2 बजे दोपहर को इसे गंडक नदी में छोड़ा जाना है। तो ये अभी ट्रक में लोड किया जा रहा है। इसे आप देख सकते हैं कि कितना विशाल है ये, जैसा सुना जा रहा था वैसा ही है, ये बहुत ही विशाल है। और इसे पकड़ने में जितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी उससे ज़्यादा कहीं इसे लोड करने में और इसे छोड़ने की तैयारी करने में मशक्क़त करनी पड़ रही है। काफ़ी विशाल है ये और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको ट्रक पे लोड किया जा रहा है। और ये अभी आ गया है ये गंडक नदी के पास, गंडक नदी के पास यहाँ पर इसे ये छोड़ने वाले हैं, इस नदी में इसे छोड़ देंगे। ऐसा सुना जा रहा है कि ये मगरमच्छ एमपी से चलकर यहाँ तक आया था, पहुँचा था, क्योंकि एमपी के वन विभाग अधिकारियों ने इसके बॉडी में शरीर में एक चिप्स लगा कर रखी थी, जीपीएस लगा कर रखा था, जिससे पता किया गया कि ये एमपी वाला ही मगरमच्छ है। उन्होंने कांटेक्ट भी किया था यहाँ के वन विभाग अधिकारियों से, तो यहाँ के अधिकारी भी इसके बॉडी में अपना चिप्स लगाकर यानी जीपीएस लगाकर इसे यहाँ गंडक नदी में छोड़ने के लिए लाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से अनलोड किया जा रहा है, मीन्स ट्रक से उतारा जा रहा है। काफ़ी मुश्किल काम है ये, इतना आसान नहीं है, काफ़ी विशाल है। ये देखिए कितना विशाल है, ये बहुत ही बड़ा मगरमच्छ है, काफ़ी लंबाई है ज़्यादा इसकी। और जैसा कि मैंने आपको पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसकी वजन लगभग 1 टन की है, यानी कि 10 क्विंटल की है। तो ये काफ़ी पुराना मगरमच्छ लगता है, काफ़ी एज होगा इसका, काफ़ी भारी भरकम है। तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी सावधानियां बरती जा रही हैं इसको उतारने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और थोड़ी देर के बाद इसको गंडक नदी में, जो आपको ये दिखाई दे रही है पुल ब्रिज के पास नदी है, उसमें इसको छोड़ दिया जाएगा। ये गंडक नदी बिहार के बेतिया ज़िले में पड़ता है, वहीं पर इसे लाया गया है इसको छोड़ने के लिए। इसकी तैयारियाँ चल रही हैं, अच्छी खासी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने और काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। तो अब ये देखिए मगरमच्छ के बॉक्स के ऊपर बैठे हुए हैं और इसे छोड़ने की तैयारी हो रही है। ये उठ गए और ये मगरमच्छ वहाँ से उठा और ये देखिए नदी में कूद गया और ये आज़ाद हो गया मगरमच्छ, ये आज़ाद हो गया और गंडक नदी में समा गया। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।